हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 सिमु इमुलेटर गेम्स एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। ये सारे सिमुलेटर गेम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर और 12GB रैम में टेस्ट हो चुके हैं। वो कितने FPS आपको देते हैं वो मैं सारा सब कुछ आपको बताऊंगा। इसमें से आपको RPG गेम एक मिलेगा, एक मारियो टाइप गेम है, एक लीगो टाइप गेम है, एक रेसिंग टाइप आपको गेम मिलने वाला है और एक फैंटेसी RPG गेम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सिमु का V2 वर्जन आ चुका है। V2 वर्जन में काफी गेम प्लेबल हो रहे हैं। अभी सिमु V3, सिमु V4 जो डिफरेंट वर्जन आएंगे V5, V6, तो इसमें ये सभी गेम 16FPS पे चलेंगे। ये आपका 680 का प्रोसेसर है, उसमें भी आपके 13FPS पे ये सारे गेम चलेंगे। बस सिमु का अगला वर्जन का आपको वेट करना है और गेम को टेस्ट करते रहना है आपका यदि अच्छा प्रोसेसर है। तो चले टॉपिक पे हम बढ़ते और देखते हैं कि कौन से ये टॉप 5 सिमु एमुलेटर गेम है। नंबर 5 पे जो गेम है वो है मॉन्स्टर हंटर 3। साइजेस की 6GB है। मॉन्स्टर हंटर 3 आपको प्योर RPG गेम मिलता है। ग्रेडेशन ब्लैक स्टाफ इसका कलरिंग है, ओल्ड कलरिंग में आपको मिलता है। इसमें डिफरेंट मॉन्स्टर मिलते हैं अलग अलग टाइप, तो इनको आपको मारना है। थोड़ा बहुत ओपन वर्ल्ड एरिया आपको मिलेगा और जितने भी एनिमी मिलते हैं वो काफी टफ रहते हैं। और मॉन्स्टर हंटर 3 आपको डॉल्फिन मोटर भी मिलता है। यदि आपको लो एंड डिवाइस है तो आप डॉल्फिन मोटर वाला यूज कर सकते हो, नहीं तो आपका हाई डिवाइस है तो सिमो मिलोटर वाला यूज कर सकते है। अब स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 और 12GB रैम में आपको ये गेम 16FPS पे मिलता है। आपको ये 16FPS पे आपका ये गेम चलेगा। बस आपका 12GB रैम होना चाहिए और स्नैपड्रैगन का 8 जेन 3 का प्रोसेसर चाहिए। यदि उससे थोड़ा कम है तो थोड़े FPS आपको कम मिलेंगे। यदि स्नैपड्रैगन का 865 या 855 और आपका 8GB रैम वाला डिवाइस है तो आपका 18, 17, 29, 13 FPS पे गेम चल सकता है। तो उम्मीद तो है आप इसी मूवी 3 V4 जब आएगा तो इसमें तो ये सारे गेम अच्छे से वर्क करेंगे। नंबर 4 पे जो गेम है वो है सुपर मारियो 3D वर्ल्ड। साइजेस की 2GB है। सुपर मारियो आपको 3D में मिलता है और इसका 3D वर्ल्ड है। ब्यूटीफुल गेम है। ग्राफिक्स आपको कलरफुल देखने के लिए मिलता है। कलरिंग में आपको कमी नहीं मिलती। टेक्चर बाकी सब कुछ आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। और इसमें भी आपको पता है सुपर मारियो में करना क्या होता है, जंप करके ऑब्स्टिकल्स को पार करना, एनिमी उनके साथ आपको फाइट करना। मारियो की अलग अलग पावर होती है, उनको आप यूज कर सकते हो। और 7-8 साल के बच्चों के लिए भी ये गेम काफी अच्छा रहेगा, वो भी इस गेम को ट्राई आउट कर सकते हैं। सिमु V2 इमुलेटर में ये गेम आपका 44, 43, 39 FPS पे चलेगा। स्नैपड्रैगन का 8 जेन 3 का प्रोसेसर और 12GB रैम में। उससे थोड़ा कम है तो थोड़े कम FPS आपको मिलेंगे, लेकिन आपको वेट करना है सिमु V3 का, सिमु V4 का, तब जाके लो एंड जो डिवाइस है उनमें ये शायद गेम चल जाए। आपका 13FPS तो चल जाए, 29, 28, 27FPS पे चल जाए ये गेम। यदि 680 का प्रोसेसर है और 4GB रैम है और यदि आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा सुमो V3 का, सुमो V4 का, उसमें आपको ये गेम प्लेएबल आपको मिलेगा 680 प्रोसेसर और 4GB रैम में, क्योंकि उसमें GTA 4 भी चल रहा है, विलेनेटर ग्लिबिक जो है इमुलेटर उसमें, तो शायद ये भी गेम आपका चल जाए। बस आपको वेट करना है क्योंकि अभी ऑप्टिमाइज नहीं है वो इमुलेटर। जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा अच्छे से तब आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। नंबर 3 पे जो गेम है वो है लीगो मार्वल सुपर हीरोज। साइजेस की 6GB है। अब लीगो मार्वल सुपर हीरोज आपको ओपन वर्ल्ड गेम मिलता है। इसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर सभी आपको सुपर हीरो मिलते हैं मार्वल एवेंजर्स के। लेकिन ये गेम यदि आप खेलना चाहते हो सिमु V2 इमुलेटर में तो आपके लिए स्नैपड्रैगन का 8 जेन 3 का प्रोसेसर 12GB रैम चाहिए, तभी आपका ये गेम 29, 32, 33 FPS पे चल जाता है। देख सकते हैं कितना ये गेम अच्छे ग्राफिक्स में मिलता है। तो सिमु V3 V4 का वेट इसीलिए मैंने कहा करो, क्योंकि ये गेम अभी प्लेएबल नहीं है जिनका लो एंड डिवाइस है, जिनका 680 का है या 865 या 855 का प्रोसेसर है, उसमें तो ये 15, 16, 14 FPS पे आपका गेम चलेगा 8GB रैम वाला जो वेरिएंट है। तो आपको वेट करना है सुमो V3 का, सुमो V4 का। तो इसमें भी आपको हल्की सारी पावर एबिलिटी मिलेगी, आयरन मैन की मिलती है, थॉर की मिलती है। तो लीगो टाइप गेम है तो छोटे छोटे कैरेक्टर रहते हैं, फन टाइप गेम आपको मिलेगा, तो इसमें तोड़फोड़ तो ज़्यादा होगी, तो आपको पावरफुल प्रोसेसर चाहिए आपके डिवाइस का।
नंबर टू पे जो गेम है वो है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। साइजेस की 6GB है। नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड आपको प्योर रेसिंग गेम मिलता है और इसमें आपको पुलिस मिलती है। ऑपोजिट वाली जो कार है उससे आप यदि रेसिंग करते हो, यदि पुलिस ने आपको देखा, पुलिस आपका पीछा करती है तो उनसे एस्केप करके आपको वो रेसिंग जीतनी है और उससे आपको पॉइंट मिलते हैं। न्यू कार को आप अनलॉक कर सकते हो। बहुत सारे मोडिंग का भी आपको इसमें मिलता है, वो पीसी वाले में मिलता है। आप सिमुलेटर वाले वर्जन में शायद नहीं मिले, लेकिन पीसी वाले में बहुत सारे आपको कार की वैरायटी मिलती है, वो आप यूज कर सकते हो पीसी वाला। अब सिमुलेटर में यदि इस गेम को खेलना चाहते हो तो आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 का प्रोसेसर और 12GB रैम में ये गेम आपका 29, 22, 28 FPS पे चल जाता है। क्रैशिंग जब होती है कार तो 22 FPS पे जाता है। लेकिन यदि आपका लो एंड डिवाइस है, स्नैपड्रैगन 865 या 855 का और 8GB रैम वाला डिवाइस है, तो उसमें ये गेम आपका 14, 13, 12, 11, 10 FPS पे चल सकता है, क्योंकि अभी सिमु V3, सिमु V4 आया नहीं है। इसीलिए अब ये तो आपको ओपन वर्ल्ड मिलता है, आप जहां जाना है वहां आप जा सकते हो, फ्री रोमिंग कर सकते हो, जिससे चाहिए उससे आप रेसिंग कर सकते हो और पुलिस से पंगे लेने में भी आपको मजा आएगा। और लास्ट गेम नंबर 1 पे द लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ द वाइल्ड। साइजेस की 13GB है। द लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ द वाइल्ड आपको ओपन वर्ल्ड RPG गेम मिलता है। पूरा फैंटेसी वर्ल्ड मिलता है, ब्यूटीफुल लोकेशन मिलती है, बहुत सारे मॉन्स्टर एनिमी आपको मिलते हैं, तो पूरा RPG गेम का फील ले सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल ग्राफिक्स में आपको गेम मिलता है और कलरफुल भी आपको मिलता है गेम। और रही बात इस गेम को खेलना चाहते हो तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 12GB रैम में आपका ये गेम 18, 17, 15 FPS पे चल जाता है। ज़्यादा तोड़फोड़ हुई किसी बॉसेस से फाइट करते वक्त तो आपका 14, 13, 12 FPS पे जाता है FPS उसका। तो इसलिए आपको वेट करना है। बहुत सारे वैरायटी की इसमें आपको एनिमी मिलते हैं, उनके साथ आपको फाइट करने में बहुत मज़ा आएगा। अभी थोड़ा लैग कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय।